फ्रेंड, माय नेम इज कृतिका। वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राकेश सर की क्लास। सो टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लेट मी रिपीट कि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आता है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सो जैसे कि मैंने बोला हो कि वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव टेकन फूड। वह खाना नहीं खा चुका होगा, he will not have taken food. क्या वह खाना खा चुका होगा, will he have taken food? So, जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, अफर्मेटिव नॉर्मल वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। वह स्कूल जा चुका होगा, he will have gone to school. नेगेटिव नॉट वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में विल हैव, शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। सो जैसे कि मैंने बोला हो कि वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्टडीड। क्या वह पढ़ चुका होगा, विल ही हैव स्टडीड। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। वह नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड। सो जैसे कि मैंने बोला हो कि वह पढ़ा चुका होगा, he will have taught. वह नहीं पढ़ा चुका होगा, he will not have taught. क्या वह पढ़ा चुका होगा, will he have taught. So, ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्द आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज सीख जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।